दोस्तों ये गौर सिटी की तरफ से आते वक्त ये बाइक ही कोई गाड़ी को ओवरटेक कर रहा था, ये डिवाइडर में आके लग गई है। और ये देखो बहुत ही इनका नुकसान हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा, ये पूरा अंदर से एक्सल वैक्सल सब कुछ बहुत नुकसान हो चुका है इनका। तो सर का से मैंने बात की है, इनके पास इंश्योरेंस भी है और टैक्स भी है, सारा कुछ है इनके पास। तो ये अभी इसको क्लेम कराएंगे इंश्योरेंस कंपनी से। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे घर के पास ही है, जस्ट मेरा घर यहीं पे पीछे ही है। जस्ट मैं जस्ट अपने घर से निकल रहा था, तो अभी गाइस आज तारीख है 15 नवंबर 2022 और अभी टाइम हो रहा है आपका 11:10। मैं पहुंच चुका हूं सेलेक्ट सिटी वॉक। आज थोड़ा सा ट्रैफिक था रास्ते में, थोड़ा इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया हमें, और ऊपर से हम लेट निकले थे। रास्ते में एक भाई डिजायर थी, मेरे घर से निकला था जस्ट ही, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, वो एक्सीडेंट हो गई थी बहुत गंदी तरीके से। तो क्या हुआ था कि मैंने उन भैया से बात की थी जिनकी गाड़ी थी, उनके कोई चोट वोट तो लगी नहीं थी, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि उनकी गाड़ी को किसी ने ओवरटेक किया और उन्होंने डिवाइडर देखा नहीं और एकदम से डिवाइडर में जाके लेफ्ट साइड से टकराई गाड़ी, एक्सल वैक्सल सब आ गया ख़त्म और एकदम से गाड़ी घूम गई पीछे की तरफ। तो काफ़ी कुछ उनका नुकसान हो गया। मैंने बात की थी भैया से, मैंने कहा इसका टैक्स वैक्स है कि नहीं, कह रहा कटा लिया मैंने और इंश्योरेंस भी है। तो अभी वो इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। मैंने कहा आप ऐसा मत बोलना कि इस टाइम पर मैंने कहा गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, उन्होंने कि हाँ मुझे पता है वट है, मतलब ऐसे कुछ बोल रहे थे। मैंने कहा ठीक है सर। तो वो वहीं के नोएडा में ही वो करते थे। तो काफ़ी मेरा, मैंने उनसे बोला कि सर मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, मैं एक्चुअली पिकअप करने जा रहा था अपना पर्सनल, उस चक्कर में नहीं तो मैं उनकी ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प करता। कह रहे थे गाड़ी चालू करवानी है मुझे, बैटरी पता नहीं उनकी कुछ दिक्कत हो गई थी, तो बैटरी का कह रहे थे तार लगा करके स्टार्ट हो जाती गाड़ी। तो मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाया, मैंने कहा सॉरी यार, मैंने कहा मुझे मैंने जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी बुकिंग है इस वजह से। तो कह रहे कोई बात नहीं। मैंने उनको बताया सर मेरा चैनल है यूट्यूब पे राज टैक्सी ब्लॉग के नाम से। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर मैं देखूँगा। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं वहाँ से निकल आया। ये मतलब जो किसी भी ड्राइवर भाई के साथ ऐसा होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता दिल से, क्योंकि देखो हम लोग कमाने के लिए निकलते हैं रोड पे, अगर कोई एक्स वाई जेड कोई हादसा हो जाता है तो उसमें यही चीज़ होती है दिक्कतें। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ सभी ड्राइवर भाइयों से, अपना यूपी का हरियाणा का टैक्स महीने का कटाया करो, उसमें दिक्कत नहीं होती है, इंश्योरेंस कराया करो, उसमें क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, ईजी तरीके से आपको क्लेम मिल जाता है। अगर एक दो दिन का कटा, जैसे आपने अभी कटाया 2 घंटे पहले आपकी एक्सीडेंट होगी गाड़ी तो कुछ भी, तो उनको कंपनी वाले क्लेम जल्दी से देते नहीं है कि वहाँ पे गाड़ी इतनी जल्दी कैसे पहुँच गई, ये वो 50 चीज़ें पूछते हैं आपसे, वो सब चीज़ें रहती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा आप महीने का टैक्स कटाया करो, हरियाणा का यूपी का भी। तो अभी मैं अपनी कर रहा हूँ ओला उबर की डिवाइस ऑन, अब आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करके दिखाऊँगा। शाम को आज मैं ज़्यादा गाड़ी चलाऊँगा नहीं, 6 या 7 बजे गाड़ी चलाऊँगा। अभी टाइम हो गया है 11:00 कुछ। हाय गाइस, मैंने पहली ट्रिप की थी सेलेक्ट सिटी वॉक से गाजियाबाद की थी। उस ट्रिप में मैंने देखा नहीं है कितनी मेरी गाड़ी रनिंग हुई है, मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। और मुझे प्लस 120 रुपये का टोल मिला है, 574 रुपये मिले थे प्लस 120, यानी कि तकरीबन मुझे 700 रुपये मिल गए थे। उसके बाद वहाँ से मेरे पास ट्रिप आई है गुड़गांव की आई थी, तो ये मुझे गुड़गांव डिलीवर करना है फेस 5। तो ये गो की ट्रिप है और कोई है नहीं, तो मैं गुड़गांव इस ट्रिप को ड्रॉप करके फिर आपको दिखाऊंगा इस ट्रिप पे मेरी कितनी अर्निंग हुई। और आज मैं ज़्यादा गाड़ी चलाऊंगा नहीं, मैक्स टू मैक्स 6 या 7 बजे तक गाड़ी चलाऊंगा, ओखला पहुंच जाऊंगा मैं, मुझे कुछ काम है। उसके बाद शाम को मेरी एक शायद एक शाम को मेरी ट्रिप है एक मेरी मोरेने की, तो उस ट्रिप को भी कर लूँगा और मेरा शाम को जो काम है वो भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं निकलूँगा अभी थोड़ी देर में ओखला, सॉरी 7 बजे तक ओखला पहुँचूंगा मैं, और अभी निकल रहा हूँ मैं सीधा गुड़गांव के लिए। तो गुड़गांव पहुंच के आपको दिखाते हैं कितनी रनिंग हुई मेरी इस ट्रिप में। देख
फाइनली मेरे पास ट्रिप आ चुकी है नोएडा सेक्टर 75 की, और ये अमेरिकन एक्सप्रेस वे बिल्डिंग से आई है। तो अभी राइडर को पिकअप कर लेते हैं। अभी मैंने सिर्फ दो ही ट्रिप किया सिलेक्टिटी वॉक से गाजियाबाद, गाजियाबाद से गुड़गांव, गुड़गांव से अभी नोएडा की ट्रिप आ चुकी है। तो इनको अभी ड्रॉप करके आपको दिखाएंगे कितनी करने की होगी मेरी टोटल, उसके बाद फिर वहाँ से मैं जाऊँगा ओखला की लोकेशन लगा के दिल्ली। तो चलो इन राइडर को कर लेते हैं पिकअप, कितनी की अर्निंग हुई इस ट्रिप में सारा कुछ बताते हैं आपको ड्रॉप करने के बाद। देखते रहे राज टैक्सी व्लॉग, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले आपको। ऊपर टेक केप टाउन सेक्टर 74 में इस ट्रिप को लेकर आया था अमेरिकन एक्सप्रेस वे गुड़गांव से। तो इस ट्रिप में मेरी अर्निंग मैं आपको बता दूँ हुई है 50 किलोमीटर गाड़ी चली है 50.1, और 1 घंटा 18 मिनट का टाइम लगा है। और अर्निंग हुई है इस ट्रिप में मेरी 569 की, और 220 रुपये का टोल और टैक्स, यानी कि 570 और 220 यानी कि 11 रुपये कम 800 रुपये की अर्निंग हो गई है मेरी इस ट्रिप में। और अभी टाइम हो गया आपका देखो 5 बजने वाले हैं, अभी बजे नहीं है 5:10 रह गए हैं, अभी 8 मिनट रह गए हैं। तो मैं निकला था, मैंने डिवाइस अपनी ऑन की थी 11:15 बजे, और अभी ऑलमोस्ट मेरे को शायद मे भी 5.5 घंटे हुए हैं। 5.5 घंटे में ऑलमोस्ट मेरी अर्निंग हो चुकी है। अभी इसमें मेरी अर्निंग होगी 800 रुपये की, और 900 की उसमें 1700 और स्टार्टिंग में 1700 और तकरीबन 2500 रुपये की ऑलमोस्ट हो चुकी है मेरी अर्निंग। वो मैं आपको शाम को टोटल करके बता दूंगा। अभी मैंने लोकेशन लगा ली है ओखला की इंडस्ट्रियल एरिया क्राउन प्लाजा। हाय गाइस, मैं पहुंच चुका हूं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। मैं सेक्टर 75 प्रतीक विक्टोरिया से बुकिंग लेके आया था। अभी मैंने राइडर को ड्रॉप किया है, इनका फेयर बना था 461 रुपये, और इनमें 22 रुपये कैंसिलेशन था, यानी 440 रुपये था। मुझे अर्निंग हुई है 241 रुपये प्लस 100 रुपये का टोल, 341 रुपये की अर्निंग हुई है। तो आज मैंने देखा है 4 राइड किए हैं ऊबर में, और कमीशन ज़्यादा ऊबर काट नहीं रही है, मतलब वही 25% उसका वो है, तो 25% ही काट रही है, तो ये होता है बढ़िया। इसीलिए मैंने आज ज़्यादा थोड़ी अर्निंग कर ली है। मेरा देखा जाए अर्निंग का तो मैं आपको बता दूं, मेरी अर्निंग हो चुकी है 2072 रुपये की अर्निंग है मेरी पूरे 4 ट्रिप की, और प्लस 540 रुपये का है टोल, और 100 रुपये हरियाणा का टैक्स मिलेगा मुझे कल। तो टोटल मिलाकर अर्निंग होगी मेरी तकरीबन 2712 रुपये की। और अभी आपका टाइम हो रहा है 6:00, देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, दिखाता हूँ आपको तभी, देखो 6:00 टाइम हो गया, टोट 1 मिनट कम है। तो टोटल मेरी अर्निंग ठीक ठाक हो गई है। आज मैं निकला था 11:15 बजे, और अभी 6 बज रहे हैं, यानी कि 7.25 घंटे में मैंने अच्छी खासी अर्निंग कर ली 2712 रुपये की। ये तो बहुत ही बढ़िया अर्निंग है, 7 घंटे में 2700 रुपये की अर्निंग, वाह। ये तो 6.5 घंटे मान लीजिए, पहली ट्रिप मैंने डिवाइस ऑन की थी 11:20 के करीब, 11 से लगा लीजिए, पूरा 11 बजे से भी लगाओगे तब भी 7 घंटे हो रहे हैं। 7 घंटे में मेरी अर्निंग हो चुकी है 2712 रुपये, और यही मैं अपना करता हूँ ब्लॉग एंड। अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है ओखला में, मैं कहीं जा रहा हूँ, पार्टी में जा रहा हूँ, तो पार्टी अटेंड करूँगा, मज़े करूँगा। और रात की उस बुकिंग की, मुरैना की मेरी बुकिंग थी, मे भी हो सकता है शायद मैं कल जाऊँ, वैसे अभी डिसाइड तो था कि आज जाना है, अगर हो सकता है उनको, अगर जिनको जाना है सर को भैया एक एक्चुअली उनको थोड़ा काम आ गया ऑफिस में, थोड़ा कह रहे थे अगर हो सकता है तो आज नहीं जाएं, मे बी अगर नहीं जाएंगे तो यही कल आपके लिए दिल्ली में काम करूंगा मैं, अगर हम दिल्ली से बाहर जाएंगे तो आपके लिए कल ब्लॉग आ जाएगा, तो सारा कुछ बता दूंगा आपको मैं कल के ब्लॉग में, गए थे या नहीं गए थे। तो यही एंड में यही बोलूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले आपको। 100% रियल एंड सच आपको मैं हर एक बात बताता हूँ, और इंस्टाग्राम मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन लिंक पे है, फॉलो कर लो, और फेसबुक पे भी फॉलो कर लो, ताकि हर एक वीडियो हर एक अपडेट मैं आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दे सकूँ, इसलिए आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लो। थैंक यू।